नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर जबरोस्ट टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। स्टॉक मार्केट में केवल यह सोचकर मत आइए कि मैं तो दुनिया हिला दूंगा, करोड़पति जल्दी ही बन जाऊंगा। रियलिटी में आपको चाहिए दो चीजें, नॉलेज और अनुभव। हमारे ख्याल से अनुभव ज्यादा जरूरी है। एक कहावत है, आप मरने से ही स्वर्ग दिखता है। जब तक आप बियर मार्केट का अनुभव प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकते। केवल टिप्स और चलती मार्केट में कुछ पैसा कुछ समय के लिए कमा लेने से आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकते। लेकिन अनुभव अनुभव से आता है, एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस से ही आएगा। इसलिए पहले 10,000 से 11,000, 10,000 से 15,000 ये कमाने की ओर ध्यान दीजिए, न कि 10,000 से सीधे 20,000 और फिर 1 लाख और फिर 5 लाख। इससे आप अपनी कैपिटल गवा बैठेंगे। तो जो आपको 1,000 या 4,000 शुरू में प्रॉफिट हुआ है, उसके उसके ऊपर आप रिस्क वाले शेयर भी ले सकते हैं। इससे आप मोर रिस्क मोर प्रॉफिट की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, आपकी कैपिटल सेफ रहेगी। इससे थोड़ा अनुभव आ जाएगा आपको। तो दोस्तों, आप सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। तो आज हम जो कंपनी का शेयर लाए हैं, वो हीट एक्सचेंजर बनाने वाली कंपनी है, जिसने Q2 के अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। कंपनी की लिस्टिंग 3 अक्टूबर को हुई थी, 3 अक्टूबर 2024 को, और अब तक 200% का रिटर्न दे चुकी है। 1 महीने में ही 36% का रिटर्न दे दिया है। तो नज़र बना के रखनी चाहिए ऐसे शेयरों पर, अच्छा शेयर है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन, KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन संबंधित थर्मल समाधानों का डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति करता है। इन उत्पादों का उपयोग तरल पदार्थों के बीच कुशल ताप हस्तांतरण के लिए किया जाता है, आमतौर पर हीटिंग या कूलिंग अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। उत्पाद पोर्टफोलियो देख लेते हैं इसके हम। इसकी उत्पाद श्रृंखला में कंडेंसर कॉइल, एवापोरेटर वाष्पीकरण, एवोरेटर यूनिट्स, एवोपरेटर क्वाइल्स, हेडर, कॉपर पार्ट्स, फ्लूड एंड स्टीम क्वाइल्स एंड शीट मेटल पार्ट्स। राजस्व विभाजन में कंडेंसर कॉइल से 55.24% और एवोपरेटर क्वाइल से 37.49% और शेष रेवेन्यू अन्य से आता है। निर्यात रेवेन्यू भी आता है इसका, निर्यात करती है कंपनी। UAE से 8.39%, अमेरिका से 3.45%, इटली से 2.34%। विनिर्माण सुविधाएं हैं कंपनी की। कंपनी की नीम राणा राजस्थान में 2 विनिर्माण सुविधाएं हैं। KRN HVAC प्रोजेक्ट्स प्रोडक्ट्स एक कंपनी 279 करोड़ 279 करोड़ के कैप एक्सपेंडिचर के साथ अलवर राजस्थान में एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रही है। यह सुविधा उन हीट एक्सचेंजर्स का निर्माण करेगी जो वर्तमान में कंपनी के पास नहीं है। इसी साल इसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। टॉप एक ग्राहक से 33.5%, 5 टॉप ग्राहकों से 55% और 10 ग्राहकों से 72.50% का रेवेन्यू आता है। कंपनी अपने ग्राहकों को बढ़ाना चाहती है। इसके वित्त वर्ष 24 में 30 घरेलू ग्राहक और 18 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक जोड़े हैं। कंपनी 23 अक्टूबर 2024 को सूचीबद्ध हुई है। 3 अक्टूबर 2024 को सूचीबद्ध हुई है। मार्केट कैप
3590 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42.10% है, जो बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 41.90% है, जो और भी अच्छी है। इन्हीं को देखकर हमने यह वीडियो बनाया है। फेस वैल्यू 10 रुपये। कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न है जो वो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 52.60% है। कोई कॉन्स्टेंट हमें नज़र नहीं आया। आज़ाद इंजीनियरिंग, राजू इंजीनियर्स, इसकी पीयर कंपनीज मानी जा सकती है। आज़ाद इंजीनियरिंग 145 की पी पर और राजू इंजीनियर्स है जो वो 209 की पी पर मिल रहा है। केआरएन हीट एक्सचेंजर 90 की पी पर है। कंपनी ने सितंबर तिमाही के रिजल्ट्स पेश कर दिए हैं, हम देखते हैं कैसे हैं वो। सितंबर 23 और सितंबर 24 के कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 71 करोड़ थी सितंबर 23 में, सितंबर 24 में 99 करोड़ हो गई। ओपीएम 19% था सितंबर 23 में, सितंबर 24 में 18% हो गया। नेट प्रॉफिट 9 करोड़ से 12 करोड़ हो गया। तो रिजल्ट तो अच्छे हैं। सेल है जो 71 करोड़ से 99 करोड़ हो गई। टॉप लाइन का बढ़ना अच्छी बात होती है। नेट प्रॉफिट भी 9 करोड़ से 12 करोड़ हो गया, तो अच्छे रिजल्ट्स कही जाएंगे। FY 23 और FY 24 के देख लेते हैं। सेल है जो 246 करोड़ से 308 करोड़ हो गई और नेट प्रॉफिट 32 करोड़ से 40 करोड़ हो गया। ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज है, अच्छा रिजल्ट्स। अब इसके पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं। इसके पैरामीटर्स में 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 60% है, बहुत अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ 153% है, ये और भी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 53% है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसके पैरामीटर्स तो बहुत अच्छे हैं। अब हम इसकी बैलेंस शीट पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। शेयर कैपिटल 62 करोड़ की है, रिजर्व 438 करोड़ के हैं, बोरिंग नॉमिनल ही है 53 करोड़ की है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की है, कैश फ्लो प्लस 3 करोड़ है, कैश मैनेजमेंट हेल्दी है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 70.79% है, लगभग 71%, बहुत अच्छी इक्विटी है प्रमोटर्स की। FII की भी 4.5% है, बहुत अच्छी है। DII की तो और भी अच्छी है, 7.36% है। पब्लिक के पास केवल 17.80% की इक्विटी है। तो फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत कहे जाएंगे, तो इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी की बिजनेस मॉडल भी अच्छा है और इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। अब हम KRN हीट एक्सचेंजर के शेयर की प्राइस वैल्यूएशन देख लेते हैं, क्या यह उचित दाम पर मिल रहा है। दाम 570 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 603 रुपये और 220 रुपये है। सेक्टर पी 84 है, शेयर 90 की पी पर मिल रहा है। इसकी पीयर कंपनियां तो बहुत महंगे दाम पर मिल रही हैं। कंजम्पशन थीम का शेयर है, इसके रिटर्न तो अच्छे ही रहने चाहिए। डेट टू इक्विटी 0.46 है, मैनेजेबल है, कोई ज़्यादा कर्जा नहीं है। 1 महीने में 36% का रिटर्न दिया है। शेयर ने लिस्टिंग के दिन 100% का रिटर्न दिया था। इसका इशू प्राइस 220 रुपये था, 3 अक्टूबर 24 को इनलिस्ट हुआ था। कंपनी के CMD संतोष कुमार ने कहा है कि हमारे वित्तीय नतीजे मजबूत रहे हैं, EBITDA में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यानी कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो अच्छी ही है आगे के लिए। कंपनी को टर्न अराउंड होने में जो समय लगता है वो हो चुका है, टर्न प्रॉफिट में है कंपनी, और अच्छे ग्राहक हैं कंपनी के पास, उसका लाभ मिला है। इस शेयर को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। सेक्टर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, 2 साल में यहाँ से दुगना भी हो सकता है। तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। तो दोस्तों, ये हमारी रिपोर्ट थी KRN पर। रिपोर्ट्स को आप देखकर कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर चाहें तो आप हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए समय निकालते हैं, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।